ओम शांति। अव्यक्त वाणी 11th अक्टूबर 1975 की। प्रश्न है, विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है? प्रश्न है, विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है? नरेश भाई, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है और आत्मविश्वास, विल पावर और निश्चय की आवश्यकता है, और प्रकाश में पवित्रता की आवश्यकता है, और विजयी बनने के लिए किसकी आवश्यकता है? किसी को हराने की आवश्यकता है। और किसकी आवश्यकता है विजयी बनने के लिए? एकाग्रता की आवश्यकता है और हो गया, और श्रीमत और उमंग और लक्ष्य के प्रति जागृति, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और परिवर्तन की तरफ बढ़ना और विल पावर। मुझे विजयी बनना है यह संकल्प और उसकी ज्ञान, उसका नॉलेज और विजयी बनने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? मणि भाई, शस्त्र, विजयी बनने के लिए शस्त्र, अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता है, और जिसको हराना है अपने शत्रु का संपूर्ण समग्र ज्ञान, और उसी के लिए किसकी आवश्यकता है? जो हो गया वो नहीं बताना है। कल्प पहले की इस पुरानी स्मृति की आवश्यकता है और अटेंशन की आवश्यकता है, जागृति की आवश्यकता है, और विजयी बनने के लिए किसकी आवश्यकता है? स्मृति स्वरूप रहने की आवश्यकता है और बोल दिया हनुमान बनने की। किसी ने एक उत्तर दिया है जो थोड़ा सा समीप है, फिर भी अभी तक वो शब्द नहीं आया जो बाबा ने कहा है। कल्प कल्प की बोल दिया, स्मृति स्वरूप, कल्प की स्मृति, कल्प पुरानी स्मृति। प्रश्न है, विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है? किस धारणा की आवश्यकता है जिससे विजयी बना जाए? सहनशीलता और संतुष्टता और क्षमाशीलता। क्षमाशीलता से विजय का बोल दिया। विजयी बनने के लिए अटेंशन किसने बोला था? बाबा कह रहे, विजयी बनने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक होते हैं अलर्ट रहने वाले, दूसरे होते हैं निखिलेश भाई, क्या दूसरे कौन से होते? अलबेले रहने वाले। जो सदा अलर्ट होते हैं वे कभी माया से धोखा नहीं खाएंगे, बल्कि वे सदा विजयी ही होंगे। तो विजय के लिए मुख्य आवश्यक कौन सी बात है? अलर्टनेस, जागरण, होश, चौकस, संपूर्ण होश जहां है वहां विजय होगा, होगी। तो विजयी बनने का आधार है संपूर्ण जागरण, संपूर्ण होश। उस होश को निर्माण करना है स्वयं के अंदर, उस अलर्टनेस को निर्माण करना है स्वयं के अंदर। क्योंकि जब जब चेतना बेहोश हो जाती है, तब तब परवश होती है, माया का आक्रमण होता है, उस समय वो सब चीजें करती है जो उसे करना नहीं चाहिए, और फिर बाद में पश्चाताप, फिर बाद में जार जार खून के आंसू बहते हैं। क्यों?
क्योंकि जो कर्म किया गया वो कर्म संपूर्ण बेहोशी में किया गया था। जीवन के इस दुर्गम पथ में यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो हमारे जीवन में जब जब गलतियां हुई है हम पाएंगे उस समय हम होश में नहीं थे। प्रश्न ये नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। प्रश्न ये नहीं है आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या कर्म करे क्या कर्म ना करे, क्या सोचे क्या न सोचे, क्या भाव हो क्या भाव ना हो, डूज एंड डोंट्स, ये करना है ये करना नहीं है, इसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न है होश और बेहोश का। कोई कितना भी बता दे कि ये करना है ये नहीं करना है, फिर भी व्यक्ति वही करता है जो उसे करना नहीं है। द्वापर से गुरु गोसाई, द्वापर से महात्मा सन्यासी तपस्वी धर्मगुरु यही समझाते आए हैं, तीर्थंकर शंकराचार्य इमाम पैगंबर पयंबर, कि ये करो ये नहीं करो, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी व्यक्ति ने वही किया जो उसे करना नहीं था। क्यों? सिखाना ये है होश में करो, फिर जो करना है करो। झूठ बोलना है होश में बोलो, पर यह दूसरी बात है कि व्यक्ति जब होश में है तब बोल नहीं पाएगा। जो भी करना है होश में, संपूर्ण जागरण की अवस्था में, संपूर्ण चौकस होकर, संपूर्ण चौकन्ना होकर, वेकफुलनेस माइंडफुलनेस अलर्टफुलनेस की अवस्था में जो किया जाता है, फिर उसे यह नहीं बताना पड़ेगा कि ये करो ये न करो, स्वतः ही वो वही करेगा जो उसे करना है। केवल टाल टालियों को काटने से कुछ नहीं होगा, बुनियाद जो है वो होश है। चेतना जब मूर्छित है सोई हुई है और हम उसको समझा रहे हैं ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, और समझाने वाले भी बेहोश है, डैडी पिंटू से कहते हैं पिंटू मैं जब तुम्हारी उम्र का था कभी भी झूठ नहीं बोलता था। पिंटू पूछता है फिर डैडी आपने झूठ बोलना कब से चालू किया? ये झूठ है ये सत्य है, ये बोलना चाहिए ये नहीं बोलना चाहिए, ये केवल शाखाएं हैं, कर्म केवल शाखाएं हैं, बोल केवल शाखाएं हैं, काम चेतना के तल पर करना है, चेतना को होश में लाना है, और अलर्टनेस की अवस्था पांच अवस्थाओं में आती है, जहां पर हम यकायक, जहां पे हम एकदम से होश में आ जाते हैं। सबसे पहला डेंजर, सबसे पहला डेंजर खतरा, आराम से सोए पड़े हैं और एकाएक हमने सुने आग 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 आग, तो आराम से सो सकेंगे? तो अलर्टनेस के लिए क्या चाहिए? खतरा चाहिए। जब खतरे की स्थिति उत्पन्न हो तब व्यक्ति जागता है, जब तक खतरा कोई नहीं आराम से सोया रहता है। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है, कहता है आपने ये जो बात समझाई मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे कुछ और बातें समझाओ ताकि मैं जीवन में धारण करूं। उन्होंने पूछा कब धारण करोगे? उसने कहा जब मेरे पास समय होगा तब धारण करूंगा। आज नहीं, क्योंकि आज मैं व्यस्त हूं, क्योंकि आज मेरे पास जिम्मेवारी है, आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, ये जब पूरे हो जाएंगे तब मैं उनको आचरण में लाऊंगा, मुझे बता दो कम से कम, क्योंकि पता नहीं बाद में आप मिलोगे न मिलोगे, आज बता दो
मैं रखूंगा और जब काम आएगा तो प्रयोग करूंगा। वो उसको उदाहरण देते हैं कि सोचो कोई घर है जिसमें आग लगी और कोई व्यक्ति सोया है और उसको बताया गया कि आग 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 उठो भागो, वो कहता है अभी नहीं, मैं अभी सोया हूं, मेरी नींद पूरी होने तो बाद में भागूंगा। तुम भी यही कह रहे हो, डेंजर चाहिए तब जागता है व्यक्ति, खतरा खतरा है, परंतु हम सोए हैं। आग तो लगी है पर हम सोए हैं। भंभोर को आग लगी भी है और लगने वाली भी है। जब डेंजर हो जाता है तो क्या होता है, जागता है व्यक्ति। अभी बैठे हैं और अचानक पता चला भूकंप आ गया, शांति से बैठ पाएंगे? हलचल होगी। बहुत नींद आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी कि बिल्कुल उठने की इच्छा नहीं। अभी अमृत वेले का समय है, 4 बज रहे हैं और हम सोच रहे नया नाना, ऐसी सुखदाई नींद को त्याग कर अमृत वेला, और उसी समय भूकंप आ जाए तो फिर रजाई लेके भागेंगे, नींद नींद सब खत्म। तो अलर्टनेस के लिए, अलर्ट व्यक्ति तब होता है जब उसे खतरे का अनुभव अनुमान, ये भी जागरण है। अलर्टनेस, हम स्थूल अलर्टनेस की पहले बात कर रहे हैं, फिर सूक्ष्म और आध्यात्मिक अलर्टनेस। ये संसार में अलर्ट व्यक्ति कब होता है उसका उदाहरण है कि अलर्ट व्यक्ति तब होता है, जागरण तब आता है जब वो अपने आलस को छोड़ देता है, अपने प्रमाद और निद्रा को छोड़ देता है और एकदम एकाग्र हो जाता है, एकदम खड़ा हो जाता है कुछ करने के लिए, उस तम से, उस तमस की अवस्था से राजस में आ जाता है, एक्टिविटी में आ जाता है। दूसरा, दूसरा क्या, हर्ट, जब हमें कोई आहत करता है, दुखी करता है, धोखा होता है, अपमान करता है, निंदा करता है, हंसी उड़ाता है, कमेंट करता है, कलंक लगाता है, क्रिटिसाइज करता है, अपोज करता है, विरोध करता है, आलोचना करता है, निंदा करता है, ये सारी जब चीजें होती है तो अचानक से क्या होता है, वो जो एक तंद्रा थी, सब लोग आके कह रहे वाह वाह तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, वाह 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 बहुत ही बढ़िया, तुम्हारा ये गुण बहुत अच्छा है, तुम हंसते अच्छे हो, तुम्हारा चिंतन अच्छा है, तुम बोलते अच्छे हो, तुम पढ़ते अच्छे हो, तुम दिखते अच्छे हो, चलते अच्छे हो, योगा बहुत अच्छा सिखाते हो, वर्षा हो रही है स्तुति की, रिकॉग्निशन की, एक्नॉलेजमेंट की, हमें तो पता ही नहीं था तुम इतने बड़े योगी हो, अब पता चल गया ना, हम तो पहले से ही है, तुमको अभी पता चला, स्टेट ऑफ यूफोरिया। और एक दिन अचानक से धक्का लगता है, हर्ट होता है, आहत करता है कोई आके, तब फिर जागरण होता है, अलर्टनेस आती है। अभी तक जो स्लीप थी, रेवरी, डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न, उससे व्यक्ति तुरंत जागता है। हर्ट, बुंड, घाव, तो घाव की बहुत आवश्यकता है, जो घाव देने आए उनका बहुत धन्यवाद करना, क्योंकि स्तुति करने वाले इतने हमें नहीं जगाते जितने दुख देने वाले जगाते हैं। जब कोई दुख देता है तब जागरण आता है, जब कोई डिप्रेस्ड करता है तब हम अपने आप से आंतरिक रूप से बात करने लगते हैं, नहीं तो हमारा अपने आप अपने साथ ही तदात्म्य टूटा रहता है, हम कुछ और होते हैं, क्योंकि सारे स्तुति कर रहे, सारे महिमा कर रहे, महिमा की मालाएं पहना रहे, बलिहारी उसकी जो माला को छीन ले,
और कोई ऐसी चोट दे जहां से रक्त बहे। खुशी के समय व्यक्ति बाह्य मुखी होता है, हर्ट जब होता है, आहत जब होता है, तब अंतर्मुखी होता है। तीसरा, रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती कर दी और एकदम से महसूसता आई कि मैंने गलती कर दी है, तब जागरण आता है, नहीं करना चाहिए था, अब तक तो बेहोशी में थे, अब तक पता नहीं क्या हो रहा था। और वो बेहोशी एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, एक महीना, कुछ सालों की थी, तब तो ज्यादा जागरण आता है। जब सम्यक संपूर्ण रियलाइजेशन, संपूर्ण महसूसता होती है कि ये जिसे मैं प्रेम कह रहा था वो वासना थी, ये जिसे मैं प्रेम कह रहा था वो मोह था, वो जिसे मैं आवश्यकता कह रहा था, नीड, वो ग्रीड थी, ये जिसे मैं पुरुषार्थ कह रहा था वो दिखावा मात्र था, एग्जिबिशन था, शो ऑफ था, पुरुषार्थ का उससे कोई लेना देना नहीं था। जिसे हम कह रहे थे ये हमारे अपने संबंधी है, इनकी सेवा करके हम तोड़ निभा रहे, वो तोड़ निभाना कम था परंतु मोह अधिक था। अपने लौकिक मोह को तोड़ निभाने की संज्ञा देकर, अपनी कमजोरी को आवरण देना, दंभ है, हिपोक्रेसी। भगवान के वचन है, मेरे अतिरिक्त किसी को याद नहीं करो। और याद कब तक करना है? कल की साकार मुरली, अंत तक याद करते रहो। ऐसा कोई पल ना हो जब तुम मुझे याद ना कर रहे हो, अंत तक याद करते रहो। तो जब हम इस रियलाइजेशन में आते हैं कि मैंने कुछ गलती कर दी, तब अलर्ट होते हैं। अगला, जब हम ये देखते हैं कि दूसरे मुझे देख रहे हैं, तब व्यक्ति अलर्ट रहता है, नहीं तो थोड़ी सी झपकी आ जाती है। पर जब उसे पता है कि सारी आंखें घूर घूर कर मुझे देख रही है, कभी ऐसा देखा कि कोई भाषण कर रहा है और उसे नींद आ रही है? देखा कभी? भाषण कर रहा है और नींद भी आ रही है, पढ़ते पढ़ते अलग, हम कह रहे हैं कि सारी आंखें गड़ी हुई है इधर। जब दूसरे हमको देखते हैं तब हम अलर्ट रहते हैं, ये चौथा। और पांचवा, लास्ट अलर्टनेस तब आती है, आध्यात्मिक अलर्टनेस, स्पिरिचुअल अलर्टनेस, जब हम संपूर्ण आध्यात्मिक रूप से होश में होते हैं, अर्थात आत्माभिमानी और निरंतर आत्माभिमानी। जब संपूर्ण जागरण में है कि ये संगम युग चल रहा है, आज ये नव दिवस है, सुबह का समय है, अमृत वेला है, मधुबन है, मधुबन का पावन धाम है, शोकेस कहा अगले संडे की मुरली में मधुबन को बाबा ने, इस शोकेस में मैं हूं, टीवी स्टेशन पर मैं हूं, सबसे ऊंचे स्थान पर मैं हूं, ये संपूर्ण अलर्ट है स्थान की, समय की और चेतना की। मैं कौन? साधारण नहीं, विशेष आत्मा हूं, समर्थ आत्मा हूं, उमंग उत्साह वाली आत्मा हूं, अंगद हूं, संडे की मुरली, ये सारा याद है, हीरो एक्टर हूं याद है, तब अलर्टनेस आता है। तो अलर्टनेस के लिए डेंजर की स्थिति पहले क्रिएट करो, क्रिएट करना नहीं है, है पर हमें पता नहीं, विनाश सामने खड़ा है, भंबोर को आग लगेगी, लग रही है। अलर्टनेस के लिए जब भी हर्ट हो जीवन में, उसे समझना बहुत सुनहरा अवसर आया है हाथ में, धन्यवाद, धन्यवाद देना उसको। हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, दूसरे हमसे ईर्ष्या करते, अच्छा है, यह भी एक अनुभव हो गया, ईर्ष्या की अग्नि में वो जल रहे हम नहीं, परंतु हम प्रभावित हो रहे हैं,
ये भी स्थिति का गिरना है। हम अपनी अचल स्थिति में खड़े रहे ऊपर। हर्ट चाहिए है, हर्ट्स, इन हर्ट्स से दुखी होने की बजाय स्वयं की स्थिति को संभालने का संबल उन्हें बनाना है। मिस्टेक जो भी हुई है उन्हें याद करो और उनसे सीखो कि ये गलती थी, ये ब्लंडर, ये गफलत, ये बेहोशी थी, इस बेहोशी की अवस्था में ये गलती हुई। गलती हुई, अब इस गलती से सीखो। सीखो इसलिए ताकि तुम दूसरों को सिखा सको कि ये गलती ना करना। सूफी संत कहता है ना कि मैं तो तुमको सिखा रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे कम ज्यादा जानता हूं, इसलिए कि गलतियां तुमसे ज्यादा मैंने की है, इसलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूं क्योंकि तुम ना करो। ये गलती हमारे जीवन में हुई है, कारण यह है ताकि भविष्य में दूसरी आत्माएं हमारे पास आएंगी जो ऐसी ही गलती जिन्होंने की है उनको आथत, धीरज, राह, रास्ता हम बताएंगे। लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली, आमंत्रित गेस्ट से मुलाकात। तुम बुजुर्ग हो, बुजुर्गों का काम होता है छोटों को राह बताना, राय देना। हम बुजुर्ग हैं, गलती ने बुजुर्ग बनाया, इस गलती ने बाल को सफेद किया, पकाया। अगला बताया, वो हो गया। दूसरे हमें देख रहे हैं, हम स्टेज पर है, हीरो एक्टर्स है, सबकी नजरें हम पर गड़ी हुई है। और लास्ट आध्यात्मिक जागृति लानी है, आध्यात्मिक होश लाना है स्वयं में, तब अलर्टनेस आएगी। और जब अलर्टनेस आएगी तब क्या होगा फिर? अव्यक्त वाणी 10th अक्टूबर 1975। विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है? विजयी बनने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। कौन कह रहा है ये? ये वो कह रहा है जो परम अलर्ट है, जो परम चौकस जागरण अवस्था में है, जो कभी भी नहीं सोता और जो कभी भी मूर्छित नहीं होता। वह परम चेतना ये कह रही है, उस परम चेतना, परम ज्ञान की स्मृति के साथ ये कह रही है कि तुम्हें यदि विजयी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अलर्ट रहने की आवश्यकता। एक होता है अलर्ट रहने वाले, दूसरे होते हैं अलबेले रहने वाले। जो सदा अलर्ट होते हैं वे कभी माया से धोखा नहीं खाते, बल्कि वे सदा विजयी हो जाएंगे। ओम शांति।